शिक्षक भर्ती के सभी 1.37 लाख पदों को भरे जाने की मांग को लेकर शनिवार को अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से बीजेपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन जारी रखा। दो गुटों में आए अभ्यर्थियों ने अपनी मांग को लेकर बैनर तले प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में महिला अभ्यर्थी भी शामिल थी। खास बात यह है कि बैनर पर जो स्लोगन लिखा था, जिसने भाजपा के छक्के छुड़ा दिए। बैनर पर लिखे हुए स्लोगन को एक बार आप भी सुनिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और फिर बेटी को टंकी पर चढ़ाओ। साथ में ये भी लिखा था कि योगी जी के राम राज्य में योग्य शिक्षक अभ्यर्थी लाचार। पहले आप ये वीडियो देखिए। प्रदर्शन के दौरान योगी जी की पुलिस ने अभ्यर्थियों को जबरन गाड़ियों में छोड़ने की कोशिश की। अभ्यर्थी प्रदर्शन स्थल से हटने गए। योगी पुलिस ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों पर लाठी की बरसात कर दी। आप उसका भी वीडियो देखिए। प्रदर्शनकारियों पर लाठियों की बौछार का वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हुआ कि बीजेपी खैमे में खलबली मच गई। बता दें कि शिक्षक भर्ती में 22,000 पद जोड़े जाने व शिक्षक भर्ती के साथ 1.37 लाख पदों को भरे जाने की मांग को लेकर 2 माह से अधिक समय से अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। इसमें से तमाम अभ्यर्थी तो 11 अगस्त से निषादगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय के पीछे पानी की टंकी के ऊपर बैठकर अभ्यर्थियों का कहना है कि 68,500 पदों पर हुई शिक्षक भर्ती में करीब 22,000 पद खाली बचे हैं। इनको 59,000 शिक्षक भर्ती में जोड़कर भर्ती किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीएन समाचार।